हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम NTA UGC NET JRF 2020 के लिए होम साइंस का थर्ड यूनिट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ऑलरेडी वूल्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशलिटी वूल्स के बारे में। स्पेशलिटी वूल्स हमारी बेसिकली किस तरह की वूल्स होती है, जैसे कि आपने नॉर्मल वूल्स तो देखी ही होगी, लेकिन स्पेशलिटी जो वूल्स होती है उसको हम गॉट से, रैबिट से या कैमल की फैमिलीज से, मतलब अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे हमें ये वूल प्रोवाइड होती है। और जो स्पेशलिटी वूल्स है वो हमें स्मॉलर क्वांटिटीज़ के अंदर शीप वूल की तरह नहीं मिलती है ना, जैसे शीप वूल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, इस तरह से हमारी जो स्पेशलिटी वूल्स हैं वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलती, लेकिन स्टिल ये हमें प्रोवाइड होती है। और साथ के साथ जैसे हमारे नेचुरल फाइबर्स हो गए, स्पेशलिटी वूल्स भी हमारी अलग अलग क्वालिटीज़ की होती है और अलग अलग क्वांटिटीज़ के अंदर ही ये हमें मिलती भी हैं। ज़्यादातर जो हमारी स्पेशलिटी वूल है वो प्रोडक्ट होती है जो ड्राई क्लीनिंग के बाद का, मतलब उनको हम नेचुरल प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन ड्राई क्लीन के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशलिटी वूल दो तरह की होती है, एक तो कोरस होती है और एक लॉन्ग आउटर हेयर्स वाली होती है जो फाइन होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। और कोरस जो फाइबर्स होते हैं उसको हम इंटरलाइनिंग के लिए, अप होल्स्टर्स के लिए और कोटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारी फाइन जो फाइबर्स होते हैं उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपनी लग्जरी के लिए, कोटिंग के लिए, स्वेटर, शॉल, सूट्स, ड्रेसेस और हमारी जितनी भी फर्निशिंग फैब्रिक्स हैं उन सब के लिए। काफ़ी सारी अलग अलग हम स्पेशलिटी वूल्स लेके आए हैं। सबसे पहली हमारी स्पेशलिटी वूल है, दैट इज़ मोहेयर। मोहेयर हमारी ऐसी वूल होती है जो हेयर फाइबर हमारे मिलते हैं अंगोरा गोट से। अंगोरा गोट जो है वो उसको कहाँ मिलती है, वो हमें साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट और टर्की के अंदर मिलती है। और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको हम शेयर्ड कर सकते हैं ट्वाइस अ ईयर, मतलब इसको आप दो बार, एक तो हम अर्ली फॉल और अर्ली स्प्रिंग पे इसको शेयर कर सकते हैं, क्लियर। और हर एक एडल्ट गॉट से हमें 5 pounds ऑफ फाइबर मिलता है। फाइबर की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 4 to 6 inches हमारी लेंथ मिलती है। अगर हम इसको दो बार, मतलब हम साल में दो बार अगर हम इसको शेयर्ड करेंगे तो 4 to 6 inch हमारी लेंथ मिलेगी फाइबर की, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ एक बार करेंगे तो डबल हमें लेंथ मिलेगी, दैट इज 8 to 12 inches, क्लियर। और जो अगर हम अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 12% ऑफ द जो क्रॉप होती है वो हमें किड गॉट से मिलती है, मतलब जो बेबी मोहेयर गॉट होती है उससे मिलती है, और रिमेनिंग जो हमारा 88% है वो हमें एडल्ट मोहेयर से मिलती है। जो हमारा मोहेयर है वो रेजिलेंट फाइबर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कम स्केल्स होते हैं वूल के कंपैरिजन में, और क्रिम्प भी क्या होता है, कम होता है। ये हमारा जो है मोहेयर फाइबर जो है वो स्मूदर है और ज़्यादा लग्जेरियस है, ज़्यादा लस्टरस है देन आर वूल फाइबर, क्लियर। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड इट्स एफिनिटी टू डाई इज ऑल्सो गुड। और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें नेचुरल लुकिंग विंग्स बनाने हैं, हेयर पीसेस बनाने हैं, तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोहिर जो है। और हम साथ के साथ जो ब्लैंकेट्स होते हैं मोहिर के, वो हमें रिटेन करते हैं हीट को भी, क्यों, हमने यहाँ बात की है कि ये वार्मर होता है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी जो वूल है दैट इज़ केवत यूथ। ये बहुत ही क्यूवियत जो है वो रेयर और लग्जीरियस फाइबर है। अंडरवूल जो है इसकी वो डोमेस्टिकेटेड मस्क ऑक्स होता है, बैल जिसको हम बोलते हैं, उससे ये वूल हमें मिलती है। और ये एक साल के अंदर कितनी वूल हमें प्रोवाइड करता है, 6 pounds वूल प्रोवाइड करता है। और इसकी जो वूल होती है क्यूवियत की, ये रिजेंबल करती है कश्मीर इन हैंड से, मतलब जो कश्मीर वूल होती है उसकी जैसी लगती है अगर हम हाथ में इसको पकड़ते हैं या टेक्सचर देखते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा वार्मर होती है। इसको अलास्का और कैनेडा के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। साथ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वूल होती है, बहुत ही ज़्यादा महंगी वूल होती है। और इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैंड क्राफ्टेड आइटम्स बनती है, जो फाइबर आर्टिस्टन्स, इनविट्स और अदर नेटिव अमेरिकन पीपल्स के द्वारा बनाया और इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। तो ये थी हमारी क्वेत वूल के लिए, क्वेत जो है जानवर है, ऑक्स है, उससे हमें ये मिलती है। नेक्स्ट है हमारी अंगोरा। अभी हमने अंगोरा गोट की बात की थी, कहाँ पर की थी, मोहिर के अंदर। यहाँ पर अंगोरा है, अंगोरा क्या चीज़ है, यहाँ पर गोट ना होके रैबिट है। तो हेयर जो है अंगोरा रैबिट के वो प्रोड्यूस्ड होते हैं यूरोप,
चाइल्ड चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसको साल के अंदर 4 बार हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, और 4 टाइप्स की ब्रीड्स होती है हमारे अंगोरा रैबिट की, जहाँ में जिसके अंदर 2 तरह की जो ब्रीड्स होती है वो कॉमन टाइप होती है, दैट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो इंग्लिश अंगोरा से हमें फाइन सिल्की फाइबर्स मिलते हैं, ऑन द अदर हैंड फ्रेंच अंगोरा से हमें कौन से मिलते हैं, कोरस मिलते हैं, ठीक है। और इसको हम रैबिट हेयर्स का नाम भी देते हैं, मतलब कि कॉमनली हमारा जो फाइबर है वो कहाँ से मिला है, रैबिट से मिला है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमल्स हेयर। कैमल्स हेयर कहाँ से है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं, 2 humped बैक्रियन कैमल्स फाउंड इन टर्की ईस्ट टू चाइना एंड नॉर्थ टू सिबेरिया के अंदर ये प्रोवाइड होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारा कैमल्स का हेयर है वो क्या है, एक्सीलेंट हमारा इंसुलेटर होता है, बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, हम साल के अंदर इसके हेयर्स को कितना प्रोवाइड करता है, ये प्रोड्यूस करता है 5 pounds ऑफ हेयर अ ईयर। कैमल का जो हेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा वार्मनेस देता है, लेकिन वो वेट में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। वरना क्या होता है, आपने देखे होंगे जो आपके कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं वो ज़्यादा हैवी होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कैमल के जो हेयर से होता है वो ज़्यादा वार्मनेस देते हैं विदाउट वेट। और फाइनर जो फाइबर्स होते हैं वो हम अपेरल्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसको कोट्स, जैकेट्स, स्कार्फ, स्वेटर्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लैंकेट्स भी यूज़ होते हैं कैमल हेयर्स के, और वूल्स के भी अवेलेबल है, मतलब इससे ब्लैंकेट्स भी बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर की। सो ये हमारा प्रोड्यूस्ड होती है स्मॉल गोट से, और इसको चाइना, इंडिया, नेपाल एंड न्यूजीलैंड में इसको रेज किया जाता है। आउटर कोट जो होती है वो लॉन्ग होती है, कोरस हैंड और इनर कोट ऑफ डाउन, क्लियर। यूज ऑफ स्वेटर, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, स्वेटर्स के लिए, कोट्स के लिए, सूट्स के लिए, जैकेट, लाउंज वियर एंड ब्लैंकेट्स के लिए। ये वॉर्म है, बटरी इन हैंड है, और ब्यूटीफुल ड्रेप रहती है इसकी ड्रेपेबिलिटी, इसके जो ड्रेप करैक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और पश्मीना जो है वो एक तरह की कश्मीर फाइबर प्रोड्यूस्ड होते हैं हमारा, कहाँ, नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीर के अंदर हमारी पश्मीना वूल, आपने सुना ही होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही हाई क्वालिटी हमारी वूल होती है। कैशगोरा एक न्यू फाइबर होता है जो हमारा कहाँ से मिलता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीड ऑफ फेरल कश्मीर गोट्स, सो विद अंगोरा गोट्स इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पर हमें प्रोवाइड होती है, हमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो इंटरनेशनल वूल टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसने अडॉप्ट किया है कि जो ये हमारी ये कैशगोरा गोट है, ये कैशगोरा है, ये एक जेनेरिक फाइबर टर्म है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो फाइबर है ये कोरस होता है कश्मीर से, और बहुत ज़्यादा लस्टरस नहीं होता, क्लियर, क्योंकि कोरस होगा तो लस्टरस भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैमा एंड अल्पाका। ये हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं साउथ अमेरिका के, ब्रांच्ड ऑफ द कैमल फैमिली, कैमल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। इनके जो फाइबर्स की लेंथ होती है वो 8 to 12 inches होती है, सॉफ्टनेस, फाइननेस और लस्टर रहते हैं। इसको क्लोदिंग के अंदर, हैंडक्राफ्ट्स और रग्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जबकि अल्पाका को यूज़ किया जाता है अपेरल के लिए। और मोर डिफ़िकल्ट टू डाई, इसकी जो डाई एफिनिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है ना, काफ़ी ज़्यादा। मोस्टली जितने भी हमारे बाकी सारे के सारे स्पेशलिटी वूल्स हैं उन सब के मुकाबले जो हमारा अल्पाका है वो ज़्यादा मुश्किल से डाई होता है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, अगर हम इसके रीज़न की बात करें, क्योंकि ये नेचुरल कलर्स के अंदर ही बेसिकली पाई जाती है, इसको इस्तेमाल भी नेचुरल कलर्स में ही किया जाता है। और ऑन द अदर हैंड लैमला जो है वो कोरस है, ज़्यादा ऑफन इसको हम कोट, सूटिंग्स, पोचूज और शॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूना एंड गुआनाको। सबसे एक बेसिक बात बताती हूँ, ये हम टॉपिक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर्स में आपने वैक्यूना नाम से, वैक्यूना का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वैक्यूना के बारे में, उसका क्वेश्चन किया होगा। इसकी बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी की वूल हमें यहाँ से प्रोवाइड होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे ही हमने सारी स्पेशलिटी ऑफ वूल इसलिए कराया बिकॉज इस बार कोई और क्वेश्चन भी किसी और क्वालिटी को लेकर, किसी और स्पेशलिटी को लेकर आ सकता है।
एंड मैच द फॉलोइंग्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो ये हमारा रेयर वाइल्ड एनिमल्स हैं साउथ अमेरिका, कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं. इसको शेयर्ड किया जाता है, जैसे हम शीप के ऊपर से अपने वूल को निकालते हैं, सेम हम यहाँ पर कैमल के ऊपर से अपनी वूल को निकालते हैं. वेकुला जो होती है वो सॉफ्टेस्ट है, फाइनेस्ट है, रेयरेस्ट है और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी टेक्सटाइल फाइबर्स है सबसे एक्सपेंसिव हमारी वेक्यूना वूल होती है. एंड क्या होता था, पहले वेक्यूना को ना मार दिया जाता था, जो ये जानवर है उसको क्या कर दिया जाता था, किल कर दिया जाता था, और किल करने के बाद इसके ऊपर से इसकी जो वूल थी उसको निकाल लिया जाता था. लेकिन बाद में इसको क्या हो गया, इस चीज़ को स्टॉप कर दिया गया और शेव्ड कर दिया गया. क्यों? क्योंकि वेक्यूना और ग्यूनाको जो है उनको प्रोटेक्ट करना था, क्लियर. और इसके लिए क्या रिसर्च की गई काफ़ी सारी इनके जेनेटिक क्रॉसेस के ऊपर, और 2006 के अंदर एक एक्ट निकला, एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट, मतलब जो भी हमारी स्पीसीज डेंजर में थी उनके अकॉर्डिंग एक एक्ट निकला, जिसके अंदर इलीगल टू ब्रिंग एनी आइटम्स, मींस वैक्यूना से बनी हुई कोई भी आइटम को ले जाना क्या है, गैर कानूनी होगा, एक्ट के खिलाफ होगा, ताकि इसकी स्पीसीज को बचाया जा सके. और आज की लास्ट हमारी जो स्पेशलिटी है दैट इज याक. याक फाइबर हम प्रोड्यूस करते हैं लार्ज ऑक्स से. ये तिब्बत और सेंट्रल एशिया के अंदर पाया जाता है और यूज्ड इन अपेरल एंड रोप टेंट कवर्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है. मिक्स करते हैं इसको कश्मीर के साथ, ताकि अब देखो कश्मीर जो है वो हमारी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की वूल होती है, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको लो करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में हम याक को उसके याक फाइबर को उसके साथ मिक्स कर देते हैं. और कोरस देन द कश्मीर, ये उससे कोरस है, डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर के अंदर ये हमें पाई जाती है. साथ के साथ ये सारे के सारे हमारे क्या थी, ये कुछ एक हमारी स्पेशलिटी वूल्स थी जो हमें पता होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए जिसके बारे में. और आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वूल भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं. आज हमने मोहिर के बारे में पढ़ा, वैक्यूना के बारे में पढ़ा, अंगोरा, कुवैत, कैमल हेयर, कश्मीर, गुनाको, लामा, अल्पाका एंड याक के बारे में पढ़ा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए. टिल देन हैव अ नाइस डे.